Three, two. गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल वेलकम टू माई न्यू वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं जबरदस्त किस्म की एक मज़ेदार सी टेंट वीडियो जिसको लगाते साथ आपको खुद से प्यार हो जाएगा चले चलते हैं हमारी टेंट की तरफ सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया मतलब कि कटोरी ली और एक स्पून ली उसके बाद फिर मैंने एलोवेरा लिया जिसके हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी और अर्के गुलाब लिया और मेरे पास यहाँ लेवेंडर ऑयल पड़ा था तो मैंने वही यूज़ कर लिया आप टी ट्री जोजोबा जो और भी बहुत से असेंशियल्स ऑयल को यूज़ कर सकते हैं और हम थोड़ा सा हमें चाहिए होगा फूड कलर जिससे हम अपना बनाएंगे टेंट और एक जार जिसमें हम इस टेंट को स्टोर करेंगे तो चलते हैं यहाँ मैंने चार Uh, टी स्पून छोटे वाले मैंने uh, डाल दिया है इसके अंदर अरके गुलाब यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर मतलब कि आपने जितना पिंक आपको ज़रूरत है आप उतना डाल सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि मुझे लाइट ज़्यादा पसंद है तो मैंने जस्ट थोड़ा सा डाल लिया ताकि uh, जो हमारे पास रोज़ वाटर है उसका कलर चेंज हो जाए और यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसके कोई पार्टिकल्स ना रह जाए ये बिल्कुल बिल्कुल एक जान हो जाए मतलब कि अरके गुलाब के अंदर जो हमने फूड कलर डाला है वो एक मिक्स होकर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और एक जैसा हो जाए तो यहाँ मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने भी अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपका कलर इन्हेंस्ड होके आए उसके बाद हम दूसरे जो हमारे पास इंग्रेडिएंट या तो हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़े हैं ये हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हमें अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट मिले और हम इसको मतलब कि ये हमारा बेनिफिशियल टिंट बन जाए जिसको हम लिप पर भी यूज़ करेंगे चिक पर भी और आइज पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे हर तरह का मेकअप कर सकते हैं लाइक like, मतलब कि टीन एज गर्ल्स आप हर जगह इसको अब लेके भी जा सकते हैं ईजिली कैरी भी कर सकते हैं और यहाँ तक के इसको ईज़िली अप्लाई करके एक नेचुरल ग्लोई और क्लासी लुक बना सकते हैं यहाँ मैंने इसके अंदर एक स्पून एलोवेरा जेल ऐड किया है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मैंने यहाँ मार्केट से ही लिया था तो आप भी किसी भी ब्रांड का आप अच्छे ब्रांड का भी ले सकते हैं या आप जो आपके घर में बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करें तो अभी मेरे पास फ्रेश एलोवेरा अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको ये वाला एलोवेरा यूज़ किया है तो आप भी जो मर्ज़ी यूज़ करें यहाँ आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको भी एक जान कर लेना है मतलब कि अच्छे से आपने ब्लेंड कर देना है यहाँ मैंने इसके अंदर लिवेंडर ऑयल्स के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डालें अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ज़्यादा ड्रॉप मत डालिएगा जस्ट इतने ड्रॉप डालिएगा कि बस आपको वो सूट कर जाए क्योंकि ऑयली स्किन एक तो पहले से ही आपकी स्किन ऑयली होगी और ऊपर से आप ऑयल मतलब कि एसेंशियल ऑयल इसमें ज्यादा डाल देंगे तो फिर वो सूट नहीं करेगा तो आपकी स्किन और ऑयली हो जाएगी तो यहाँ आप इसको अवॉइड करिएगा जितनी आपको जरूरत हो आपकी स्किन को जितनी जरूरत हो आप बस उतना ऐड करिएगा यहाँ बस मैंने इसके अंदर लेवेंडर ऑयल के ड्रॉप्स डाल लिए थे मेरे पास यही अवेल था तो मैंने यही डाल लिया आप जोजोबा ऑयल रोजमेरी ऑयल और भी बहुत से ऑयल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं असेंशल ऑयल यहाँ मैंने फिर खाली जार लिया मेरे पास काफ़ी बॉटल्स पड़ी थी इसकी तो बस फिर मैंने इसके अंदर ही डाल लिया लिप एंड चिक टिंट की बॉटल्स पड़ी थी यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आपका कब तक ख़त्म होगा मोस्टली ये वन मंथ चल जाएगा लेकिन ये बहुत अच्छा समर के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मियों में हम कोई बेस या भी कोई भी ब्लश नहीं लगाते हैं क्योंकि मतलब कि स्किन जो ख़राब हो रही होती है जीबो गरीब हो रही होती है तो उस पर हमें सूट नहीं करेगा कि हम इतने इतने प्रोडक्ट हैवी प्रोडक्ट लगाएं तो बस फिर यहाँ मेरा टेंट रेडी हो गया था तो आप देख ही सकते हैं कि कैसा रिजल्ट है ये है मतलब कि मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ यहाँ मैंने हैंड पे अप्लाई किया है तो आप इसी को ज़रा ज़रा सा लेकर अपने चिक पे लिप पे एंड आइज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कोई भी इसमें दूसरे प्रोडक्ट ऐड नहीं हैं जो हार्मफुल हों ये सिर्फ घर के होममेड प्रोडक्ट से बनाया है तो आप सब भी ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा बनेगा और एकदम ग्लोई और टीनेज गर्ल्स जैसा मतलब कि उनके गर्ल्स जैसे ब्लश करते हैं ऐसे ही आपके करेंगे सिर्फ इसको यूज़ करने से तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको थोड़ा डार्क ब्लश पसंद है लाइक थोड़ा ज़्यादा टेंट पसंद है या थोड़ा सा कम टेंट पसंद है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करें तो मुझे थोड़ा सा लाइट पसंद है और तो फिर मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया आपको दिखाने के लिए यहाँ मैं आपको थोड़ा डार्क अप्लाई करके भी दिखाती हूँ कि वो कैसा लगता है देखें टीन एज गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है आई होप आपको पसंद आया होगा मस्ट ट्राई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग